जमात इस्लामी का कराची में जलसा जारी है, जिससे इस वक्त अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर मुनव्वर हसन खिताब कर रहे हैं। फाइनली उसको फेस किया है जो इस वक्त अहले कराची को दरपेश है। पूरे मुल्क के अंदर ये नारा लगाया जा रहा है कि कुछ पार्टियों को सहूलतें हासिल है इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए और कुछ दीगर पार्टियां हैं जो लिबरल पार्टियां हैं उन्हें इससे रोका जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि जो लोग आज भी बरसर इख्तदार हैं, 12 साल से जिनका गवर्नर है, कल भी वो बरसर इख्तदार थे, वो किससे गिला करते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी नहीं फराहम हो रही, वो किससे शिकवा और शिकायत करते हैं कि उनको मुहिम नहीं चलाने दी जा रही, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिन्होंने पिछले 5 साल इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को फरोग दिया है, जिन्होंने लोगों का जीना दूभर किया है, मुख्तलिफ हवालों से लोगों के मुस्तकबिल को तारीख को ताराज किया है, वो किस मुंह से शिकवा और शिकायत करते हैं? ये उन्हीं के बोए हुए बीज है जिसकी फसल वो काट रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का आम शहरी उनकी भत्ताखोरी की वजह से, उनकी बोरी बंद लाश के कल्चर की वजह से, उनके लोगो एरियाज की वजह से इस शहर का बसने वाला बासी तमाम उमंगों को कुर्बान कर चुका है, अपनी तमाम आरजुओं और ख्वाहिश के ख्वाहिशात की दुनिया को ताराज कर चुका है। मैं इसलिए कि इस शहर को एक नए कल्चर से मुतारिफ कराया गया और रोशनी के इस शहर को अंधेरों के अंदर धकेल दे रहे हैं। सब्जार चारों तरफ फैला हुआ कराची खुशहाली की नजर कर देने के लिए जो कोशिशें साजिशें पिछले 5 साल में हुई और इस अबूरी दौर के अंदर निगरान हुकूमत के होते हुए भी जारी है, उसने सारा काला चट्टा बयान किया है। और मैं फिर इस बात पर कराची की जमात को और कराची के आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस बात का आज़म किया है, इस हौसले का इजहार किया है और बड़े पैमाने पर इस बात को नशर किया है कि वो इस चैलेंज को कबूल करते हैं। भत्ताखोरों को उनके मैदान के अंदर शिकस्त देना, बोरीबंद लाश के मौजूदों को फिर वापस दीवार से लगाना 11 मई का दिन उसके लिए मुकर्रर हुआ है। और बड़े पैमाने पर इस बात की जरूरत है कि तराजू के निशान को मुतारिफ कराया जाए, तराजू के निशान पर मोहर लगाने के लिए लोगों से कम्युनिकेशन किया जाए, लोगों के दिलों पे दस्तक दी जाए, उनके घरों तक पहुंचा जाए, हर चौपाल में जाया जाए, हर जगह जहां नशिस्त और बरखास्त होती है, जहां खुशी और रोहनी की तकरीबात होती है, उन सब के अंदर अगले चंद दिनों के अंदर आप पहुंचे और उनको ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के अंदर तैयारी मुकम्मल है भत्ताखोरों को शिकस्त देने के लिए। और ये मसला सिर्फ भत्ताखोरों के नाम से पूरा नहीं होता। जो लोग अपने आप को लिबरल कहते हैं उसका मतलब यह है कि वो अमरीका के हामी है। अमरीका के हामी अपने आप को लिबरल कहते हैं और जो अमरीका का मुखालिफ है उसकी साम्राज्यत का मुखालिफ है, उसकी इस्तेमारियत का मुखालिफ है, उसको दखलंदाजी और बैकवर्ड का नाम दे देते हैं। इसलिए जिन लोगों ने इस बात जिन लोगों को ये बात खटकती रही कि जमात इस्लामी गो अमरीका गो की मुहिम चला रही है, लोगों को अवेयरनेस पैदा कर रही है, बेदारी की लहर उठा रही है, शऊर को उजागर कर रही है, दुश्मन और दोस्त में तमीज पैदा कर रही है और लोगों को मुनज्जम कर रही है, ज़हनी तौर पर उनको इस बारे में यकीन से सरशार कर रही है कि अमरीका की मुदाखलत की वजह से हमारे हालात खराब है। ये मुदाखलत अस्करी दायरे के अंदर भी है, ये मुदाखलत IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए हमारी इक्तसादिया और मईशत के दायरे में भी है। जो लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि अमरीका की गुलामी से निजात मिले, पैरों में उसकी बेड़ियां, हाथों में उसकी हथकड़ियां, जबानों पर उसके पैरों से निजात मिले, वो अब कहते हैं कि हम लिबरल हैं। मैं इन सारेंस को ये बताना चाहता हूं कि ये मुल्क लिबरल्स के लिए नहीं बना है, ये मुल्क कुरान और सुन्नत के मानने वालों के लिए बना है, ये इकबाल और कायद के फरामीन की नक्काशी करने वालों के लिए बना है। इस मुल्क के लिए हमने अपने बचपन में 5 साल और 6 साल की उम्र में नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जिन लोगों ने हिजरत की है और हम नजीब तरफेन मुहाजिर हैं, हमारी माँ ने भी हिजरत की थी, हमारे बाप ने भी हिजरत की थी,
हमने उन दोनों की उंगलियां पकड़कर हिजरत की थी। हमने तनफेर महाजनों को ये कोई ना समझाया कि तुमने क्यों कुर्बानियां दी हैं। हम लिबरल बनने के लिए यहाँ पर नहीं आए थे, हम आकाशत से वाबस्ता और सरशार होकर अपना घर बार छोड़कर आए थे। आजादी के 2 साल और 3 साल और 4 साल बाद हमने हिजरत नहीं की थी, आजादी के लम्हात के अंदर और आजादी के तराने गाते हुए हमने हिजरत की थी। लिहाजा जो लिबरल है उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का आईन लिबरल्स के लिए नहीं है। या तो वो अपने आप को अकलियतों में दर्ज कराए और अपना नाम उन फेरिस्तों के अंदर दर्ज कराए, वरना इस मुल्क के अंदर अगर रहना है तो कुरान और सुन्नत की फरमा रवाई को यकीनी बनाना है। जमात इस्लामी कराची ने परमन कराची और खुशहाल पाकिस्तान का जो नारा लगाया है, हकीकत यह है कि सिर्फ नारा नहीं है, इस नारे के पीछे फलसफा, इस नारे के पीछे एक पूरी तारीख है, इस नारे के पीछे एक नजरिया है, एक जद्दोजहद और कशमकश की दास्तान है। सदियों पर फैले हुए नजरिए पाकिस्तान के हवाले से लोगों के दिलों के अंदर रोशनी है। लिहाजा ये नारा बिला शुबा एक मकबूल नारा है, हर दिल अजीज नारा है, लेकिन ये सिर्फ मैंने अर्ज किया कि नारा नहीं है, ये हमारी उमंगों का तर्जुमान नारा है, ये हमारे मुस्तकबिल को खुशहाल बनाने वाला नारा है। और कराची का बदमनी का शिकार हो जाना पूरे मुल्क से खुशहाली को छीन लेता है, लोगों के जज्बों को सर कर देता है। ये कराची सिर्फ मिनी पाकिस्तान नहीं है, ये मिनी आलम इस्लाम भी है। अब बाहर के लोगों को पकड़ा जाता है, मदरसों से उनको बेदखल किया जाता है, अनगिनत नई नई शरायत उन पर आई की जाती है, लेकिन कराची तलाश है इस बात की कि आप उठे, बड़े पैमाने पर चले, मंजिल की तरफ बढ़े, निशानात मंजिल को देखें और सोगवार के अहमियत में नहीं बल्कि जज्बों से सरशार होकर उठे और मुस्तकबिल की तामीर के लिए उठे। और 11 मई की तारीख उसके लिए तय हुई है कि उससे पहले आप लोगों को हमवार करें, लोगों को इस बात पर आमादा करें कि वो 11 मई को अपने घरों से निकलेंगे, ठीक है तस्बीह पढ़ते हुए निकलेंगे, अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हुए निकलेंगे, पैरों को गुबार आलूद करते हुए निकलेंगे, लेकिन इस हौसले और अज़्म के साथ निकलेंगे कि हम पोलिंग स्टेशन पर अपने हिस्से का वोट प्रकाश करेंगे, तराजू के ऊपर मोहर भी लगाएंगे। और फिर जैसा कि यहाँ बार बार कहा गया और ये बात बड़ी अहम है कि अपने वोट की हिफाजत करेंगे ताकि वोट चोरी ना हो जाए, एक डिब्बे में आप डाले दूसरे डिब्बे से ना निकल आए। इसलिए इस पहलू को भी सामने रखिए कि सुबह सवेरे मुंह अंधेरे पोलिंग स्टेशन जाना ये भी। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मज़ारे कायद पर पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान जलसा जारी है, जिससे अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन खिताब कर रहे हैं।